रनौद क्षेत्र के रहवासी आज जनसुनवाई में पहुंचे। जनसुनवाई में हाथों में तख्तियां थी, इसमें लिखा था कि भ्रष्ट सीएमओ को हटा। दरअसल मामला कुटीर को लेकर था। यहां इंजीनियर अधिकारी और बाबू सर्वे करने व कुटीर स्वीकृत कराने के लिए ग्रामीणों से रिश्वत के रूप में 2 से 3 हजार रूपए की मांग कर रहे हैं। रुपए ना देने पर कोई भी सर्वे करने नहीं आ रहा है। मामले को लेकर कई बार ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन उसका हल नहीं निकला। इसके बाद कलेक्ट्रेट में शिकायत करने गए, लेकिन उस दिन कलेक्ट्रेट नहीं मिल सके। ब्रजलाल जाटव ने बताया कि 3 महीने से अधिक समय हो गया है, कुटीर के लिए सर्वे करने कोई नहीं आता। मामले को लेकर सीएमओ से शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों ने सीएमओ को हटाने की मांग की है। बामरी कहाँ से आए हो? रन्नौ से। क्या समस्या लेकर आए थे यहाँ? पैसे नहीं डर रहे साहब, 3 महीने कुटी आएंगे, नाम आए हमारे, कोई हमारे से नाप भी नहीं आया, सर्वे कर भी नहीं आ रहा। फिर का पैसे मांगते हैं? कौन मांगता है? बाबू नाप बेवारे आते हैं, भी नाप भी नाप मांगते हैं, ढाई दे दो दे हो। आप तो पर्चा टेम्पलेट लेकर आए थे, उस पर लिखा था सीएम को हटाओ। हमें बिना ही पैसा मांगते हैं हमसे? सीएम साहब मांगते हैं क्या? सीएम साहब नहीं मांगे, बाबू मांगते हैं। क्या कहते हैं? पैसे दो। बजे कौन है? मोहल्ले में से निकाल के भग जाते हैं और का आता ही नहीं। हमारे सर्वे नहीं करे सब, हम गरीब आदमी है, घर गिर रहा है, मकान गिर रहा है हमारे, हमें कोबाऊ से कबाऊ तक नहीं आई। हम क्या नाम है सीएम साहब का? नाम को पता नंदा क्या? कुमार भट्ट। रजत कुमार भट्ट। कितने लोग हैं आपके गाँव में? पूरा मोहल्ला है और पूरे मोहल्ला कुटे आई, 3-3 महीना की दावे हैं सब, कुछ कोई कुछ नहीं है, किसी आपका? मेरा नाम ब्रजलाल जाटव है सर, मैं ग्राम रनौद रहता हूँ, नगर परिषद रनौद में। क्या समस्या लेके आए थे? हम समस्या लेके आए थे कि हमारे तीन महीने हो गए कम से कम कुटीर पास हुए, कोई भी अधिकारी वगैरह इंजीनियर आता है वो हमारे मोहल्ले में कभी सर्वे नहीं करे और पैसे मांगते हैं। कितने? कोई से 2,500 कहते हैं, कोई से 2,000 सर्वे कराई के, फिर वे आए नहीं है। फिर हम परिवार है कम से कम 30-35 मोहल्ले में। किस बात का पैसा? वो प्रधानमंत्री आवास योजना कुटीर का, जब सर्वे होएगा। आपने इससे पहले कहीं शिकायत की थी? हैं? शिकायत की थी कहीं? कलेक्टर साहब कहाँ आए थे हम शुक्रवार को, सुबह मिले थे ना, आज फिर जन सुनवाई में आए हम। उसमें जरूरत इसलिए है कि वे दलालों के हाथ पड़े हैं और दलाली करवा रहे हैं। सीएमओ ने मांगे थे आपसे पैसे? नहीं, सीएमओ नहीं, उनके दलालों ने, बाबू नहीं, राधे श्याम बाबू ने, ढाकड़ बाबू, बाबू को हटवाओ, सीएमओ को हटवाओ। तो बाबू बाबू हट जाए, बाबू आता है और ते पैसे देते, उसकी सर्वे कर लिया जाता, बाकी के नहीं कर। हम साहब, हमें तो सत्य बात हो, गरीब को साथ करे अधिकारी, और हमें धाकड़ बाबू तो चाहिए था ही नहीं है साहब। कहते हैं कि उनमें कोई के कौन चाहिए? हमें दूसरा बाबू चाहिए। कौन को मतलब? क्या नाम उसका? कौन का? अभी के समाज का चाहिए, कौन चाहिए? नहीं, हमारी समाज का नहीं, कोई भी ऐसा आए धाकड़ समाज का। साहब डक पीपरी में ट्रैक्टर है, जमीन है 100-100 बीघा है, मगर उनकी पास और गरीबन की अपात है। जमीन नहीं हो, जमीन नहीं है गरीब आदमी के पास।